एक्चुअली मेरा नाम लीरा कालजई है और ये जो मेरी मूवी है वो एक स्पेस के ऊपर है और मैं इसमें एस्ट्रोनॉट का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. ये जो लड़की है उसे काफ़ी अच्छा लगता है स्पेस में जाना, बिकॉज शी इज़ एस्ट्रोनॉट, शी इज़ लव टू गो फॉर एवरी प्लैनेट, शी इज़ रोमिंग फॉर द रिटर्न एंड द स्टैंड. बट एट द टाइम वो एक प्लैनेट पर पहुँचती है जिसका नाम भी लीरा ही रहता है और फिल्म में भी उस लड़की का नाम लीरा ही है. उसका नाम लीरा रहता है तो पहले तो शॉक्ड हो जाती है कि एक प्लैनेट और मेरे बीच में, नाम के बीच में, इसके अलावा और क्या कनेक्शन है. बट उसे धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि उसकी सच्चाई क्या है ज़िंदगी की, उस प्लैनेट से किस तरह से वो जुड़ी हुई है. तो जब उसे मालूम पड़ता है तो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और कैसे वो प्रॉब्लम में फंसती है, वहाँ से निकलती है, रोमांस होता है, सोलमेट उसका उसे मिलता है और किस तरह से क्या क्या उसके साथ होता है, ये बस उसकी कहानी है. हमने सुना कि इस फिल्म में जो काफ़ी ऐसे सीन है जो आप रियल में कर सकते हैं, हाँ इसमें रियल्स में एक्चुअली फिल्म मूवी में तीन USP है. पहली ये कि बॉलीवुड की फर्स्ट 99% VFX मूवी है और वर्ल्ड की फर्स्ट इनोसेंट लव स्टोरी है जो स्पेस में फिल्माई गई है. और इसमें जो स्क्रिप्ट की डिमांड थी कुछ ऐसी, और मैं रियल में भी बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ज़बान को टच करते हैं अपने नोज से, तो मेरी ज़बान काफ़ी लंबी थी एंड आई कैन एबल टू डू दैट. तो एज़ पर स्क्रिप्ट उन्हें को स्टार भी ऐसे ही चाहिए था जो ये कर सके. करीब 9000 लड़कों का ऑडिशन हुआ ऑल ओवर इंडिया, उसमें से जो मेरे को एक्स्ट्रा हैं मेहुल अडवाणी वो मिले, जिनका सेम एज इट इज़ होता है, उस टच होता है उनकी ज़बान जेब में. तो ये भी एक लगभग काइंड ऑफ USP ही है. कहीं ना कहीं जैसे कि आपके जैसे डैडी फिल्म के प्रोड्यूसर, तो फिल्म पाने में आसानी आई, मुश्किल है, किस तरह से ऑडिशन दिया, फिल्म से कैसे मिला? इट्स नॉट कि आपकी होम प्रोडक्शन है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, इट्स जस्ट लाइक कि आपको चीज़ें मिल जाती हैं बट आपको उस पर काफ़ी वर्कआउट करना पड़ता है. मैंने काफ़ी सीरियल्स किए हैं इसके पहले तो मुझे जब अनुभव हुआ एक्टिंग का, किस तरह से मुझे और इन्वॉल्व होना है, कैसे मुझे क्या क्या करना है. मूवीज़ जो होती हैं वो काफ़ी एक वॉर की जैसा है, आपको प्री प्रोडक्शन में बहुत मेहनत करना पड़ता है, प्रोडक्शन में मेहनत करना पड़ता है. इसमें जितने भी एक्शन सीन्स हैं मैंने खुद फिल्माए हैं, मैंने खुद उसमें एक्ट किया है, मैंने 17-17 घंटे हम लोग शूट करते थे. एंड सबसे बड़ी बात है मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी अबाउट एक्शंस, मुझे बहुत अच्छा लगता था. मेरे जो एक्शन डायरेक्टर हैं मनोज सर, हर एक्शन सीन्स को उनके पहले शूट होने के पहले मैं उनके पास जाती थी, पूछती थी कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या डिफरेंट है. इसमें लेज़र फाइट काफ़ी ज़्यादा है मूवीज़ में, बट हैंड फाइट भी है, हैलिस्टन भी है, तो काफ़ी मज़ा आया मुझे करने में. जैसे कि फिल्म का ऑडियो लॉन्च है तो कोई एक गाना, जैसे कि उन्हें पता चला कि आप इस फिल्म में गाना गाएंगे. हाँ, मैंने गाना गाया है. एक्चुअली मैं प्रॉपर सिंगर तो मैं नहीं हूँ, प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, बट मेरे डैड थे जो उनके कॉन्फिडेंस था, उन्होंने मुझे काफ़ी बूस्टअप किया अबाउट सिंगिंग, तो मैंने गा दिया. बहुत बड़ी भूल थी बिकॉज मेरी आवाज़ उतनी अच्छी ही नहीं है, बट फिर भी लोगों को काफ़ी पसंद आया, ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा. तो गाना ज़रूर, अगर आप लोग भागेंगे नहीं तो मैं ज़रूर गाना चाहूँगी, बट ओनली फॉर यू आई एम गोइंग टू सिंग. तुम ही तो मेरे सोलमेट हो, तुम ही तो मेरे सोलमेट हो. That's it, I think. इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट है? या दो प्रोजेक्ट और हैं, इसका एक सीक्वल है और एक मूवी और आ रही है जो कि काफ़ी वाई नाम है उसका और काफ़ी उसके रिलेशंस बने हुए हैं. बस प्री प्रोडक्शन पे उसके काम चला, लेट्स सी. लेट्स होप. उसकी माँ की रोल कर रही हूँ और आगे जो है उसमें सो इसका है. और जब हम लोग जाते हैं ऊपर लीरा प्लैनेट पर, फिर वहाँ पर भी हमारा कुछ अपना रोल होता है. और इस मूवी की सारी स्टोरी मैंने लिखे, गाने मैंने लिखे. तो कितना चैलेंज है आपने स्टोरी लिखा, मतलब एक एलियन की स्टोरी कहानी, मतलब काफ़ी दृष्टि में देखिए एलियन, हर कोई एलियन ही होता है और हर जगह पर हर तरह के, अब यहाँ भी जानवर होते हैं और आदमी होते हैं, और भी प्लैनेट्स पर है तो वहाँ भी जानवर टाइप के भी आदमी और आदमी भी होते हैं, जानवर भी होते हैं. तो हम लोग वहाँ पर जाते हैं. खैर कुछ लोगों का कहना है कि एलियन आते हैं तो जैसे कि आइए आमिर खान के बताई गई है PK में, तो उस तरह से हम लोगों ने नहीं बनाया, हम लोग अपने ही तरह से अपने हिसाब से बनाया इससे. और टीजर लॉन्च हुआ मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे गाने चले बहुत खुशी हुई, और लीरा आगे चल के बहुत कुछ करेगी इसमें, मुझे बहुत खुशी होगी, इसके हर एक कदम इसका आगे बढ़ते की तरफ जाएगा.
और फैमिली सपोर्ट कितना? मैं बहुत ब्लेस्ड अपने आप को समझती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे मिले हैं जो हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट किए हैं, इन चाइल्डहुड तो अभी तक लेकर के, तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड मानती हूँ कि हर फील्ड में हर चीज़ में जो मैंने करना चाहे मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्टिव रहे हैं. सो गॉड इज विथ मी. थैंक यू. माय नेम इज मेहुल अडवाणी. आप सब लोग यहाँ आए सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स. एंड आज जैसे कि टीजर और म्यूजिक लॉन्च हुआ है, जावेद अली सर की वॉइस है एंड रितु पाठक मैम की वॉइस है, तो अल्टीमेटली गाने तो ठीक ही है और आप लोगों ने सुने, सबको पसंद आ रहे हैं. टीजर लॉन्च हुआ है, टीजर के बारे में सबके व्यू बहुत अच्छे हैं. फिल्म 99% VFX है. दिक्कतें बहुत सारी थी फिल्म को शूट करते समय कि कुछ चीज़ें मैच नहीं करती थी, कुछ सीन मैच नहीं करते थे कि VFX में किस तरह दिखेगा. प्री प्लान होता था वर्कआउट थोड़ा सा कि रात को बैठ के पेपर वर्क करना है, नेक्स्ट डे उसको शूट करना है. दिक्कतें बहुत आई लेकिन अल्टीमेटली आफ्टर ऑल 4 to 5 months का शूट किया, उसके बाद फिल्म अभी कंप्लीट हुई है और पिछले 6 महीने 7 महीने से इस पर VFX पे काम चल रहा है. कुछ और अभी काम बाकी है बट वी होप कि ये बहुत अच्छा हो और जैसे लोगों को पास में आएगा, सामने आएगा तो लोगों को मालूम पड़ेगा. और फिल्म अप्रैल के आसपास रिलीज होने के चांसेस है. आपके लिए किरदार कितना चैलेंजिंग था और जिस तरह से कहा जाता है कि पूरा एक्शन से भरपूर और VFX से, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था इसके लिए? बेसिकली मैं थिएटर एक्टर हूँ तो मेरे लिए पूरा का पूरा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था VFX में काम करना. थिएटर में काम किया हुआ है, इसके पहले मैंने फिल्म की है मिस्टर मदर जो एक्सपेरिमेंटल थी, एक मैन के बारे में थी जो प्रेग्नेंट होता है. उस समय भी वो कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट था. उसके बाद ये स्टोरी मेरे पास आई कि ये VFX फिल्म है, तो आई डिसाइडेड कि ये शायद मुझसे नहीं होगा, शायद मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि थिएटर में बहुत सारी चीज़ें होती है जो सपोर्टिव होती है. जब आप इमोशन में जाते हो तो आसपास का बैकग्राउंड आपको सपोर्ट करता है, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था. ग्रीन रूम होता है और आप अकेले होते हो और कैमरा सामने होता है, यू हैव टू फील एवरीथिंग. तो जो कुछ मैंने सीखा पिछले 4-5 सालों में अपने थिएटर से, अपने जो गुरु थे उनसे, जो कुछ मैंने सीरियल्स किए, मैंने CID भी किया है और मैंने शपथ के भी एपिसोड किए, मैं बहुत छोटे छोटे काम करके यहाँ तक पहुँचा हूँ. तो जो जो एक्सपीरियंस मैंने अपने इन 4-5 सालों की जर्नी में लिया है, आई यूज़ एवरीथिंग कि मैं उस फील को ला पाऊँ. और जब लोग देखेंगे कि हाँ ये एक्चुअली सीन हो रहा है, VFX नहीं लगेगा वो, तब हम समझेंगे कि हमने अपना काम पूरी तरह से अच्छा किया है. कास्टिंग इट्स अ वेरी, मैं ये कहूँगा कि ये शायद ही ऐसा किसी के साथ होता है जो मेरे साथ हुआ है. मैं अंधेरी लोखंडवाला के चौल में रहता हूँ, अब नहीं रहता हूँ, अब छोड़ दिया है, आज से 2 साल पहले की बात है. मैं जैसे कि सारे स्ट्रगलर्स होते हैं, चौल में रहते हैं, घर का पैसा बचाते हैं, उसमें से मैं भी एक था. मैं जस्ट घर से शाम के 5 बजे के आसपास पहुंचा और मैंने और देखा कि मेरे घर के पास ऑडिशन हो रही है लीरा द सोलमेट की, तो मैंने मेरे फ्रेंड को लिया और कहा कि चल हम लोग ऑडिशन देते हैं. मैं वहाँ गया, ऑडिशन क्लोज हो चुकी थी, तो आई रिक्वेस्टेड, एक बंदा था वहाँ पे, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे स्क्रिप्ट दे दो, एटलीस्ट स्क्रिप्ट दे दो, क्योंकि हम एक्टर्स की आदत होती है कि हम स्क्रिप्ट अपने पास रख के अपने जेब में लेके घूमते और अगले दिन उसको रिहर्स करते हैं ताकि ये कैरेक्टर कभी हमारे काम में आए. तो मैंने रिहर्स किया, मैं वापस उनके पास गया और उनसे कहा कि सर एटलीस्ट आप मेरी एक्टिंग देख लीजिए, मैं थिएटर एक्टर हूँ, मैं ट्रेंड एक्टर हूँ थिएटर में, मैंने MFA पास आउट किया है, आप प्लीज़ एक बार एक्टिंग देख लीजिए, कोई भी छोटा मोटा कैरेक्टर हो आई एम हैप्पी विद दैट. तो उन्होंने भगा दिया एंड कहा कि यार ऑडिशन क्लोज हो चुकी है. मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ एक बार देख लो, तो सर ने मुझे नेक्स्ट डे घर पर बुलाया एंड वहाँ एक किंजल नाम की लड़की थी जिन्होंने मेरा ऑडिशन लिया एंड दे सेड कि हम आपको बताते हैं कोई भी कैरेक्टर होगा. तो मैंने सर से रिक्वेस्ट वापस की कि सर प्लीज़ मुझे कोई भी कैरेक्टर हो मुझे मिलेगा, मैं करूँगा काम. आफ्टर 3 मंथ दे अगेन कॉल मी कि 4 कैरेक्टर्स है, उसमें से एक कैरेक्टर आपको मिलेगा. तो मैंने हाँ कह दिया, सर मैम एग्री, फिर से ऑडिशन लिया गया. ऐसा करते करते एटलीस्ट 8 महीना ऑडिशन चला और उसके बाद फाइनली सर ने मुझे कॉल किया कि क्या आप लीड करोगे. मैंने सर से कहा कि इफ़ यू हैव फेट इन मी एज एन एक्टर तो डेफिनेटली मैं अपना 100% दूंगा. सर ने कहा कि इसमें सॉन्ग्स है, फाइट है, तो आई डिसाइडेड कि यस सर हम लोग करेंगे एंड आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी मेरे काम से एंड यू विल बी हैप्पी एंड पीपल विल गेट हैप्पी विद माई वर्क ऑल्सो. तो मेरी जो छोटी फिल्म आने वाली है और 1-2 फिल्में आ रही है मेरी, तो आई होप कि इस फिल्म से उनको भी सपोर्ट मिलेगा.
दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आप आइए, फिल्म बहुत अच्छी है, फैमिली फिल्म है, सॉन्ग्स से इसमें एंड इट्स अ टोटली फैमिली फिल्म, लोगों को बहुत मज़ा आएगा फिल्म देखने में, थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है एंड लोग आए देखे, हमारा काम देखे, हमारी फिल्म को सराहे, बस इतने कहना चाहूँगा। मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, मेरा नाम सुमनेश श्री कालजी है और 12 साल से मैं मीडिया से जुड़ा हूँ क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो बहुत सारे टीवी चैनल पर आने का मौका मिला। अभी जो पिक्चर का टीजर आप लोगों ने देखा, गाना जो सुना, ये मेरी आने वाली बहुचर्चित फिल्म लीरा दी सोलमेट है। बहुचर्चित फिल्म का मैंने इसलिए ये वर्ड इस्तेमाल किया कि ये फिल्म पहली बार 99% VFX में, अभी VFX के बारे में समझाने की ज़रूरत नहीं है, और ये हाई डेंसिटी VFX में है, इसलिए पिक्चर को आप जो टीजर देख रहे होंगे तो कभी लगा नहीं हुआ कोई डार्कनेस है, चाहे बनाया हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसका पूरा का पूरा सीन बनाया हुआ है। फिल्म की कहानी के बारे में जानना चाहेंगे? फिल्म ऐसा है कि एक लव स्टोरी है फिल्म में, लेकिन लव स्टोरी का एंगल दूसरा है, इसलिए मैंने नए लड़कों लड़कियों को लिया स्टार कास्ट, नए हैं। कारण क्या है कि मुझे उनको बताना था जिनको लव के बारे में मालूम नहीं है, लव क्या होता है वो नहीं जानते, तो इसलिए एक नए लड़की लोग लेके, और ये स्पेस की लव स्टोरी है, पूरे का पूरा पिक्चर एक स्पेस में, मैंने जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उसको मिल्की गैलेक्सी कहते हैं, उस तरफ काफ़ी दूर बाद हीरोइन जो है लीरा, उसी के नाम की प्लैनेट है एक लीरा, ये कहानी उसी जगह की है, वहाँ पर एक लड़का मिलता है जो उस प्लैनेट का है और वो इसको साबित करता है कि हम तुम्हारे सोलमेट हैं, और इसीलिए नाम रखा हुआ लीरा दी सोलमेट। ये ट्रू स्टोरी कैसे हो सकता है, ये काल्पनिक है, कारण कहीं तो एक एलियन की कहानी की तरह है, लेकिन एलियन एलियन का मतलब क्या होता है थोड़ा और मैं बोल दूं, हम लोग भी एलियन हैं, हम लोग एक प्लैनेट पर रहते हैं तो दूसरे जगह पर हम लोग जाएंगे तो लोग हमें एलियन बोलेगा, तो हम लोग भी एलियन हैं, तो वो भी एक एलियन है, लेकिन क्या है, प्यार की जो परिभाषा है वो असीमित है, इसीलिए इसमें थॉट ये था मेरा, कॉन्सेप्ट जो है कि जब यहाँ के लोग, पृथ्वी के लोग, अर्थ के लोग जब एक दूसरे को लव कर सकते हैं, हम लोग इंटरनेशनल मैरिज कर सकते हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि स्पेस में कोई दूसरा हो जो हमारे अर्थ से एक ट्यूनिंग बनाना चाहता हो। मैंने इस पिक्चर को डायरेक्ट भी किया है और कैसा रिजल्ट आया तो आप लोग टीजर देखे खुद बता सकते हैं। टीजर लॉन्च हुआ, ऑडियो भी लॉन्च हुआ, तो आपके काफ़ी मित्र भी आए थे, क्या रिस्पांस दिया ऑडियो से? देखिए उसके लिए तो मेरा आप व्हाट्सएप देख लीजिए, काफ़ी अच्छे रिस्पांस हैं और लोग बहुत, टीजर जो देख रहा है, टीजर ऑलरेडी यूट्यूब पर गया है, तो यूट्यूब पर गया है और बहुत लोग एकदम लगातार देख रहे हैं, व्यू आ रहा है और उन्होंने काफ़ी अप्रिसिएशन भेजा है, तो मेरे दोस्त लोग जो हैं मीडिया में जो लोग हैं, मैगजीन वाले जो लोग हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, जो लोग कांटेक्ट के हैं उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। 99 VFX डाला, मतलब क्या सोचते हैं, अपने बनाया पिक्चर कहाँ इसको रिलीज करने वाली, कौन सी? देखिए पिक्चर ही 4K में शूट किया हुआ, हाई रेजोल्यूशन में शूट किया हुआ है, तो हाई रेजोल्यूशन में चूँकि पिक्चर है इसलिए वर्ल्ड वाइड कहीं भी हम रिलीज कर सकते हैं और हमें ग्लोबली रिलीज करना है। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हैं? हाँ, इसके बाद का इसी के सीरीज में एक फिल्म आ रही है मेरी, लिए लव इन स्पेस। और दर्शकों से क्या कहना चाहिए इस फिल्म को लेकर? दर्शक इस फिल्म को देख के बहुत उत्साहित होंगे और क्योंकि वो कितने जगह मुझे मैसेज मिला है व्हाट्सएप पर और फेसबुक से कि पिक्चर आने के पहले लोग इसे कंपेरिजन कर रहे हैं कि बाहुबली भी 70% VFX था, तो ये आपकी मूवी लीला दी सोलमेट भी बाहुबली को कम्पीट कर सकती है, और ऐसा मीडिया रिपोर्ट भी है और कुछ मैगजीन में ऐसा छपा भी है, कुछ लीडिंग पेपर है उसमें छपा भी आया भी।